इदानीम आम इदानीम अपि इदानीम पश्यामि अहम् अपि पश्यतुं शक्नोमि उत्तमम् तो गत सप्ताहस्य चलचित्र संरक्षणं पश्यति स्म वा न महोदय अहं न दृष्टवान् अस्तु अस्तु सो गत सप्ताहे यदा तदा कदा हाँ यदा तदा चला गया गत सप्ताहे वयम दिशा निर्देशः पुनरावलोकन कुर्मः स्म किम उपरि अस्ति कः अधः अस्ति किम दक्षिणतः अस्ति किम वामतः अस्ति कः पृष्ठतः अस्ति कः पुरतः अस्ति उदाहरणम् एतत् काकस्य पुरतः न न एतस्य काकस्य पृष्ठतः कः अस्ति काकः कुत्र अस्ति नवीन महोदय काकः नरेशः स्कन्धे अस्ति नरेशस्य स्कन्धे नरेशस्य दक्षिणतः स्कन्धे अस्ति स्कन्धे अस्ति नरेशः कुत्र अस्ति अभिलाष महोदय नरेशः भवतः जवनिका मध्ये अस्ति उत्तमम् उत्तमम् तो काकस्य पुरतः किम् अस्ति काकस्य पुरतः काकस्य पुरतः संस्कृतवाक्यानि अस्ति उत्तमम् सन्ति सन्ति उत्तमम् एवं काकस्य पृष्ठतः किम् अस्ति अथवा कः अस्ति अभिलाष महोदय काकस्य पृष्ठतः नरेशः इति शब्दः अस्ति पृष्ठतः हाँ वो नरेशः इति शब्दः पुरतः अस्ति पुरतः मीन्स फ्रंट पुरतः फ्रंट पृष्ठतः पीछे उसके बिहाइंड ओके काकस्य पुरतः संस्कृतवाक्यानि सन्ति पुरतः देखो पुरतः इज दिस फ्रंट है ना पृष्ठतः इज दिस मुंदु वेनकाल तो संस्कृत वाक्यानि अपि सन्ति उत्तमम् परन्तु रेशस्य अंगवस्त्रम् अपि अस्ति आम् तो काकस्य पृष्ठतः नरेशस्य अंगवस्त्रम् संस्कृत वाक्यानि च सन्ति और इसमें कोई गलत सही नहीं है आपने जो बोला वो भी सही है मैं सिर्फ प्रयास कर रहा हूँ कि वो पुरतः पृष्ठतः दक्षिणतः वामतः वो उसकी अभ्यास होने के लिए इदानीम वर्णस्य दक्षिणतः किम् अस्ति
पर्णस्य दक्षिणतः कीटः अस्ति दक्षिणतः कीटः अस्ति कीटस्य वामतः किम् अस्ति अस्तु इदानीं नवीन महोदय प्रश्न पृच्छतु अभिलाष महोदय नवीन महोदय आम एतत् दामिनी 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 पर्णस्य वामतः किम् अस्ति पर्णस्य वामतः नीलिवर्णे धामिनी अस्ति नीलिवर्णे धामिनी अस्ति उत्तमम् 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 अभिलाष महोदय प्रश्न पृच्छतु दर्पणस्य अधः किम् अस्ति दर्पणस्य अधः धनुः अस्ति आम् परन्तु धनुषस्य बाणः कुत्र अस्ति धनुषस्य बाणः वामहस्ते अस्ति वामहस्ते भी चलेगा वामहस्ते जस्ट मींस कि लेफ्ट हैंड पे है जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं एक्चुअली लेफ्ट हैंड इज अ इंग्लिश एक्सप्रेशन हैंड जो यूज करते हैं ना उसको एक्चुअली मतलब असल में संस्कृत या हिंदी में उसकी आवश्यकता ही नहीं है तेलुगु में क्या बोलते हैं तेलुगु में भी लेफ्ट हैंड नहीं बोलते हैं लेफ्ट बोलते हैं बस ఎడమ చేతి పక్క అని కూడా అంటారు కదా సార్ ఎడం చేతి పక్క కుడి చేతి పక్క అని అంటారు ఎడం వైపు ఉంది కుడి వైపు ఉంది అవునవును కరెక్ట్ అలా అని కూడా అంటారు కానీ ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ లో చేంజెస్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట అవును పర్ ఠీక్ హై వో చల్ మతలబ్ ఉస్కో హమ్ యది ఇంగ్లీష్ సే మ్యాచ్ కర్నే కి కోషిష్ కర్ రహే హై తో వామ హస్తే చలేగా పర్ इंग्लिश से मैच करने की कोई आवश्यकता नहीं है आज एक और हमको एक नई नवीन पुस्तकम ज्ञातम संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स ज्ञातम वा राजीव मल्होत्रा जी पुस्तकम पठतु क्रयतु एवं पठतु उत्तमं पुस्तकम अस्ति अहं क्रीणामि एवं राजीव मल्होत्रा महोदयस्य यूट्यूब चैनल है अभी तो चैनल के लिए भी हमको शब्द बनाना पड़ेगा चैनल लिख लेते हैं चैनल के लिए सोचना पड़ेगा तो यूट्यूब चैनल है संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स पुस्तकस्य एक एक अध्याय अपि अस्ति सो आप उधर से भी देख सकते हैं ओ उत्तमम मतलब एक वीडियो में एक शब्द फिर अगले वीडियो में अगला शब्द कृपया YouTube URL प्रेषयतु लिंक प्रेषयामि उत्तमम चैनल के लिए सोचेंगे क्या शब्द हो सकता आपका वो शब्दकोश है क्या मुझे नहीं लगता चैनल के लिए कोई शब्द होगा संस्कृत में है मगर उसमें देखता हूँ मैं अहम पश्यामि नहीं तो हम वयम निर्माणम कुर्मः चैनलाय शब्द पदः लाइक चैनल अस्ति शब्दकोशे अस्ति
किम शब्द चैनल पदम शब्द शब्दकोश अस्ति पदम स्त्रेतः स्त्रेतः प्रणाली प्रणाली स्त्रेतः प्रणाली नहीं नहीं स्त्रेतः या फिर ये वाला आम आम स्त्रेतः एकम पदम प्रणाली अलग अलग है दोनों हाँ अलग अलग है द्वितीय पदम ओके हाँ स्त्रेतः प्रणाली दो दो है स्त्रेतः कैनाल चैनल के लिए कैनाल का अर्थ है ओ कैनाल हाँ हाँ कैनाल और प्रणाली कोर्स कोर्स बोले तो इस चैनल में जाना जा रहा है पानी ऐसा श्रेतः इस चैनल ओके प्रणाली स्त्रीलिंग है और स्त्रेतः नपुंसक पुल्लिंग पुल्लिंग है पुल्लिंग हो गया विसर्ग लगाया तो पुल्लिंग है हाँ विसर्ग है मगर इधर पता नहीं शब्दकोश में नपुंसक लिंग टैग लगा हुआ है उसको नहीं पर पूरा शब्द जो है वो नपुंसक लिंग होगा क्योंकि चैनल जो शब्द है वो नपुंसक लिंग है हाँ 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 ओ हाँ तो सकारांतः और एक है सकारांतः वो पता नहीं उसका अच्छा तकारांतः सकारांतः ब्रैकेट में दिया हुआ है ब्रैकेट में सकारांतः सकारांतः स्त्रेतः तो तकारांत है और प्रणाली इकारांत है ठीक है अब देखना पड़ेगा वो पेज का एक स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा तो हम थोड़ा उसको अभी बताता हूँ मैं आपको आपको वीडियो में बताता हूँ आपको दिख रहा है क्या हाँ एक मिनट मैं बड़ा कर चैनल हाँ श्वेतः और प्रणाली हाँ हाँ दिख गया है दिख गया दिख गया उत्तमम तो यूआरएल लिंक प्रेषयामि पश्यतु तो अद्य अहिंसा शब्द पठामि अहिंसा डज नॉट मीन नॉन वायलेंस किम क्या ओके तरहि तभी तभी तरही हाँ तरही तो अहिंसा वो श्लोक है ना अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च तथैव च सो अहिंसा हमारा काम अधिकतर पीसफुल है हम फोर्सफुली किसी से कुछ नहीं करवाते लेकिन हमारे को कोई हार्म करने वाला है कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं तो ये है मतलब अहिंसा मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं यदि गलत हो रहा है तो उस समय हिंसा जो है वैलिड है कोई भी ऐसी हिंसा जो और बड़ी हिंसा को रोकती है बड़ी हिंसा से रक्षा करती है तो वो अहिंसा ही है अहिंसा ही है हाँ
अच्छा था वो, अच्छा था। एंड जस्ट ऐसे दस दश निमिषे नव निमिषे चलचित्र अस्ति उत्तम। इदानीं दक्षिणतः पश्यतु, बालकः सूर्यं पश्यति। बालकः किं करोति नवीन महोदय? बालकः सूर्यं पश्यति। तो अभी बालकः पुस्तक बालकः हस्ते पुस्तकम् अस्ति। पुस्तकम् अस्ति उत्तमम्। इदानीं कथं ज्ञात्वा अभिलाष महोदय किं कर्ता किं कर्म पदः एतत् वाक्ये? बालकः इति शब्दः कर्ता अस्ति। कथं बालक कर्ता मतलब जो कुछ कर रहे हैं उसी को कर्ता करते कहते हाँ, और पर कैसे पता चलता है कि वो करता है? तो कुछ कुछ कर रहा है सर, देख रहे हैं उसने। हाँ, यदि मैं इसी वाक्य को ये लिखता सूर्य बालकम पश्यति तो आपको कैसे? तो सूर्य हाँ तो कैसे सूर्य बालक को देख रहा है वो तो बाद में पता चलेगा ना। सूर्य बालक को देख रहा है वो तो आप इसके अनुसार पता लगा रहे हैं कि सूर्य करता है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि सूर्य बालक को देख रहा है, लेकिन सूर्य करता है ये पता कैसे चला? जब भी वो सेंटेंस में यूज होते हैं तभी पता सकते हैं सर हमने। हाँ, पूर्ति वाक्य वाक्य देखो आप वाक्य का अर्थ से ही उसका शब्द का अर्थ निकाल रहे हो, जबकि शब्द के अर्थ के लिए वाक्य के अर्थ की आवश्यकता पड़ रही है तो कैसे होगा आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यदि मैंने बोला कि आप समझ लो एल्केमी को एक्सप्लेन करो, ठीक है, स्वर्ण बनाने का विधि, तो आप बोलेंगे यदि कि एल्केमी इज अ साइंस वेयर एल्केमिस्ट क्रिएट्स गोल्ड, तो अब उसमें एल्केमी फिर से यूज हो गया बिकॉज एल्केमिस्ट अगेन यूजेस एल्केमी, राइट? तो मैं उसकी पहचान पताने लगाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बालकः सूर्यं पश्यति, सूर्यं बालकः पश्यति, सूर्यं पश्यति बालकः, पश्यति सूर्यं बालकः, ये सभी में बालक ही सूर्य को देख रहा है। कैसे पता चल रहा है? तो कहा है ना बालक कहा। हाँ, तो बालक कहा से क्या पता चला वो क्या है? सर शब्द रूप के अनुसार बता सकते सर हमने। हाँ बताइए। अगर अगर सूर्य का शब्द लिया तो सूर्यम मतलब बालक द्वितीय द्वितीय हो गया ना। हाँ अब सर अब आए हम लाइन पे कि जहाँ पे द्वितीय दिखी तो द्वितीय मतलब वो कर्म है उसके ऊपर काम हो रहा है। और जहाँ प्रथमा है जो बालक है और नीचे वाले वाक्य में सूर्य प्रथमा में है, प्रथमा हमेशा कर्ता होती है और द्वितीय हमेशा कर्म होता है, तो आप उसको पोजीशन कहीं भी रख दीजिए सूर्यम बालक पश्यति या पश्यति सूर्यम बालक, जहां पे भी बालक है जहां पे भी प्रथमा है वो करता है और जहां द्वितीय है वो कर्म है। तो ये वाक्य में पहचानने के लिए बहुत आवश्यक है ये समझना कि वाक्य का अर्थ तो आपने बाद में निकाला ना, पहले तो हमको पता करना पड़ेगा कि करता है कौन। तो उसके लिए प्रथमा जहां दिखी वो करता है और द्वितीय जहां भी दिखेगी वो कर्म है। अभी ये वाक्य थोड़ा सरल है क्योंकि इसमें एक ही करता है एक ही कर्म है और दोनों अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। और वैसे भी प्रथमा और द्वितीय में स्त्रीलिंग में भी बहुत
सरल शब्द होते हैं, कठिन नहीं होते। जैसे आपने बोला कि सूर्य नदीम पश्यति, तो अब नदीम भी आसान शब्द है, सरल शब्द है। उसमें भी सिर्फ अंत में म लगा देते हैं, नदीम पश्यति या लताम पश्यति। तो सूर्य लता को देख रहा है या नदी को देख रहा है, तो सिर्फ अंत में म लगा दिया, तो वो इकारांत हो चाहे आकारांत हो चाहे अकारांत हो, सभी में म बस लग जाता है अंत में, तो इसलिए सरल है। द्वितीय को पता लगाना बहुत सरल है। उसी प्रकार प्रथमा को पता लगाना भी अधिकतर सरल ही होता है। प्रथमा पुल्लिंग में विसर्ग लग जाता है, जैसे सूर्य बालक। स्त्रीलिंग में उसका मूल शब्द ही रहता है, लता बालकम पश्यति या नदी बालकम पश्यति, उसमें विसर्ग भी नहीं लगता, उसका मूल शब्द ही रहेगा। मोहा बालकम पश्यति, इस तरह से जो भी वो नाम है, इकारांत हो चाहे आकारांत हो, अधिकतर 90% स्त्रीलिंग शब्द आकारांत या ईकारांत होते हैं, जो दीर्घ ई है। तो ये तस्वीर मैंने इसलिए बनाई है, एकदम चित्रम। तो ये समझ गया सभी को? उत्तम। चलो, एक वचनम बहुवचनम वदन्तु। मैं बाण के निशान बनाता हूँ, आप बोलते जाइए। पहले नवीन जी बोलिए एक वचनम। अश्वः। अभिलाष महोदय बहुवचनम। अश्वः। आम। अश्वः। अश्वः। और अश्वः को ही हयः भी बोलते हैं। हयः एक और पद है अश्व के लिए, हयः। इदानीं नवीन महोदय। बालकः बालकाः। बहुवचनम बालकाः। बालकाः बालकाः। अभिलाष महोदय। बालकः। बालकः। अभिलाष महोदय। सः कः? अहं सः छात्रः। छात्रः। आह छात्र छात्र छात्रः। तर्हि दक्षिणतः ते सन्ति छात्राः। सन्ति छात्राः। तो वो जिस तरह से बैठे हैं, कोई भी छात्र जैसा नहीं बैठा है। ऐसा लग रहा है बार में जाके बैठे हैं। अहम चिंतयामि सः छात्रः नास्ति, सः उद्योगः अस्ति, व्यवसायी। लैपटॉप कुछ पकड़ रहा है। उत्तम। नवीन महोदय। इदम् वृक्षः। वृक्षः। अभिलाष महोदय। वृक्षाः। वृक्षाः। इदम् नविलास महोदय। नवीन नवीन शब्दाः सन्ति। नायकः। उत्तमम् उत्तमम्। नायकः। अभिलाष महोदय। नायकाः। नायकाः। नवीन महोदय। गजाः। गजाः। अभिलाष महोदय।
इदं सरलम अस्ति गजः गजः नवीन महोदय दीपः दीपः अभिलाष महोदय दीपाः क्या लिख रहा हूँ महाप्राणम ना अल्पप्राणम दीपाः दीपाः इदानीं बहुवचनम् वदतु वदतु नवीन महोदय हस्ताः हस्ताः अभिलाष महोदय रामकृष्णाः नवीन महोदय ईश्वराः 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 अभिलाष महोदय सर शब्द रूप पता नहीं सर इसका गुरु हो क्या गुरवः 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 तो उ की मात्रा जहां पे लगी जो उकारांत शब्द है उसमें वो मात्रा हट जाएगी और वह लग जाएगा तो गुरवः जैसे धेनु होता है भानु देनु शंभु आएंगे यहाँ पे भी आएंगे अभी तो धेनवः आपने गाय के लिए सुना है धेनवः धेनवः गुरवः सुना है मगर धेनवः नहीं सुना ओके अस्तु अस्तु नवीन महोदय हरि हरि इसका एक नवीन नियम है हर्यः हर्यः सो र भी आधा हो जाता है हलंत के साथ हर्यः हर्यः अभिलाष महोदय मुन्यः 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 उत्तमम् नवीन महोदय श्रीपत्यः उत्तमम् अभिलाष महोदय अजाः अजाः अजा अजः ये गोट है ना बकर हाँ बकरी हाँ हाँ गोट विष्णुः देवः देवाः देवाः इदानीं नवीन महोदय गणेशः गणेशः नवीन महोदय शंभु शंभवः उत्तमम् अभिलाष महोदय मुकुन्दाः मुकुन्दाः इदानीम् एतत् किम् अस्ति
नवीन महोदय छुरिका तो एतत किम मैंने पूछा तो आप बोलेंगे सा छुरिका तो अब क्योंकि जब तक हमको पता नहीं है तब तक तो हम एतत किम बोल सकते हैं आम आम सा छुरिका लेकिन जब हमको लिंग पता चल गया तो सा छुरिका एतत किम अभिलाष महोदय ताह छुरिकाः ताह छुरिकाः उत्तमम् एतत् किम् नवीन महोदय सा माला एतत् किम् अभिलाष महोदय ताह मालाः एतत् किम् अभिलाष महोदय अहं न जानामि महोदय नवीन महोदय क्या बोलते हैं उसको सा कुंचिका नवीन शब्द नवीन पद अस्ति कुंचिका एतत् किम् नवीन महोदय अहं वदामि आचार्य पत्रिका नास्ति वार्तापत्रिका एतत् किम् नवीन महोदय ताः वार्तापत्रिकाः अन्यपदम् अपि अस्ति वृत्तपत्रम् शब्दकोशे किम् अस्ति नवीन महोदय एकनिमिष अहं पश्यामि अभी एकं निमिषं क्षम्यतां न एकनिमिषं न एकं निमिषम् अभी हमारे दूसरे वाले बैच में कुछ लोगों को मैंने बताया था कि संस्कृत के लिए उपयोगी एक पुस्तकों का सेट है जस्ट अराउंड 7 बुक्स सप्त पुस्तकानि तो वो मंगाने अभी 2-3 लोगों ने ऑर्डर कर दिया न्यूज़पेपर शब्दकोश है वार्तापत्रम वार्तापत्रम् तर्हि एवं नपुंसकलिङ्ग शब्द भवति आचार्य वार्तापत्रम् आम् नपुंसकलिङ्ग शब्द परन्तु पत्रिका स्त्रीलिङ्ग सो किम शब्द उपयोग करवानी
करोमि तत् मम निर्णयम् कि वार्तापत्रम् अर्थात् नपुंसकलिंग, तो देन आप तत् वार्तापत्रम् कह सकते हैं। और वार्ता पत्रिका उपयोग करना है तो फिर सा वार्ता पत्रिका। एतत् किम नवीन महोदय? तत् क्षम्यतां, सा लेखनी। लेखनी अभिलाष महोदय, एतत् किम? लेखनी है यदि, तो न तो लेखन तक तो रह गई, लेखन्यः बहुवचन। इकार अंत वाला कोई नहीं था ना यहाँ पे, देखो हरियः जैसे हमने किया था ना, हरि का हरियः, हर श्रीपति का श्रीपत्यः, श्रीपत्यः, तो अंतिम अक्षर जो है उसकी ई की मात्रा हटा देंगे और उसको अर्ध शब्द अर्ध अक्षर कर देंगे और फिर यह लगा देंगे। एक तो व्यत्यास है इसमें कि लेखनी दीर्घ इकारांत है और हाँ अंतर है, पर फिर भी हाँ। जो नियम है वो वैसे उस पे भी वैसे ही वाला चला, लेखन्य में हाँ, ई हाँ, 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 की मात्रा हटा दी और जो आखिरी शब्द अक्षर है व्यंजन उसको हाँ, हमने आधा कर दिया। हाँ। अभिलाष महोदय आप कुछ बोल रहे थे? सर उसको कलम भी कह सकते हैं सर, कलम भी कलम मेरे पर ऐसे थोड़े अंतर हैं, जैसे लेखनी पेन को कहते हैं, अंकनी हाँ। पेंसिल को कहते हैं। नमो नमः अभिलाष जी। नमो नमः सर। मम जवनिका पश्यसि वा? आम् अहं पश्यितुं शक्नोमि। उत्तमम्। नमो नमः नवीन महोदय। नमो नमः महोदय, अहं पश्यामि, अहं भवतः जवनिका पश्यामि। उत्तमम्। तो हम क्या बोल रहे थे कि लेखनी पेन के लिए, अंकनी पेंसिल के लिए बोलते हैं अंकनी, ये बीच में गैप नहीं होगा, मिनट। अंकनी पेंसिल और कलमम भी बोल सकते हैं। कलमम का आपको इसमें शब्दकोश में क्या दिख रहा है? कलमम कलम है क्या कहते हैं? एक निमिष दादा, तू आज मैं शब्दकोश लेके नहीं बैठा हूँ अभी, मैं चिंता मास्तु महोदय। सप्तकोशे केवलम लेखनी शब्दः अस्ति। लेखनी ओके आसीत्। अस्तु अस्तु। एतत् किम् अभिलाष महोदय? अहम् जानामि। प्रथमम् अहम् वदामि कर्तरि। कर्तरि सा कर्तरी। सा कर्तरी
एतत् किं नवीन महोदय ताः कर्तर्यः ताः कर्तर्यः महोदय मुझे ये सेंटेंस ट्रांसलेट करिए अनुवाद अनुवादम करिए संस्कृत मध्य में पहले मैं बताऊंगा बात में वो सही है या नहीं आप बताइए इसको संस्कृत में अनुवाद करिए थोड़ा लंबा हो गया प्रथमम अहम वदामि पश्चात वदतु सत्यम अथवा असत्यम सही के लिए हम थोड़ा और कुछ बोल सकते हैं करेक्ट के लिए नवीन महोदय उसमें देखिए जरा करेक्ट सही सत्य कहेंगे या कुछ और लिखा है उसमें सत्य असत्य राइट रॉन्ग सम्यक भी बोल सकते हैं सम्यक अस्ति अथवा नास्ति सम्यक बोल सकते हैं करेक्ट के लिए एक मिनट देख रहा हूं मैं क्योंकि सम्यक के कई अर्थ हो जाते हैं सम्यक मतलब सर्वेबल उचितः शब्दकोश में उचितः अनुचितः ओके अच्छा उचितः अनुचितः तो वो हो गया अभिलाष महोदय प्रथमम् अहं वदामि पश्चात् कृपया वदतु उचितः अथवा अनुचितः अभिलाष महोदय वदतु अभिलाष महोदय म्यूट पे है शायद हाँ भवान म्यूट मध्य अस्ति मूक मध्य अस्ति So, जैसे अपना जो हेडफोन या ईयरफोन है ये श्रवण यंत्र वैसे ही श्रवण यंत्र माइक जो है वो वाणी यंत्र या ध्वनि यंत्र वैसे ध्वनि यंत्र हम स्पीकर के लिए भी कहते हैं तो वाणी यंत्र शायद ज्यादा सुटेबल देखो माइक के लिए भी कोई अलग से पद दिया हुआ है क्या आपके शब्दकोश किसमें किसके लिए माइक्रोफोन अभी मुझे फोन कॉल आया मैं बात कर रहा था आपने कुछ बोला मुझे हमने इतना कुछ बोला आपके नहीं होने से हमको एक नया शब्द अभी शोध करने के लिए मिल गया म्यूट मूक सर फोन कॉल बात करते समय आप मेरे आवाज सुन सकते हैं सर नहीं सब, आप सब म्यूट पे सुनाई दिया सब सुनाई दिया हाँ नवीन जी ने सब सुन लिया नहीं नहीं यार ये मैं विनती ले रहा हूँ ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ सारे से मैंने म्यूट करना भूल गया अरे आप नहीं नहीं कुछ नहीं सुनाई दिया यू म्यूटेड इट वी डिडंट हियर एनीथिंग यू वर ऑन म्यूट अच्छा आई वाज जस्ट जोकिंग ओके मिला क्या माइक्रोफोन नहीं है शब्दकोशे तत्पदम नास्ति उत्तमम देन तरहि वयम शब्द निर्माण कुर्मः श्रवण यंत्र ईयरफोन आम श्रवण यंत्र ईयरफोन वाणी यंत्र माइक्रोफोन
माइक्रोफोन और माइक। ध्वनि यंत्र किम अस्ति अभिलाष महोदय? ध्वनि यंत्र रेडियो। स्पीकर। हाँ स्पीकर। हाँ रेडियो को आकाशवाणी कहते हैं। रेडियो आकाशवाणी। हाँ दूरदर्शनम किम अस्ति? टेलीविजन। दूरदर्शनम टीवी, आकाशवाणी रेडियो। उत्तमम्। दूरवाणी दूरवाणी जंगम दूरवाणी जंगम दूरवाणी मोबाइल दूरवाणी सेल फोन दूरवाणी फोन जंगम दूरवाणी सेल फोन। हम तो जंगम सेल से आया है क्या? नहीं नहीं सेल का I don't think cell का equivalent jangama है, but I think jangama का अर्थ मुझे ठीक तरह से पता है, मगर मैंने संस्कृतम की दूसरी कक्षा में वो बोल रहे थे कि cell phone is jangama दूरवाणी। अच्छा, मैंने चल दूरवाणी जैसा भी कुछ सुना है, चल दूरवाणी। संस्कृत भारती कक्षा में वो पढ़ाए थे जंगम दूरवाणी बोल के। जंगमा का अर्थ क्या होता है? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि जंगम शब्द आया कहाँ से। जंगम दूरवाणी तो ये आपकी कक्षा में हुआ या किसी और कक्षा में था? मेरे कक्षा में। हाँ तो आप पूछ लीजिए, फिर आप ही पूछ के बताइएगा हम लोगों को। ठीक है मैं पूछता हूँ, क्योंकि सेल फोन के लिए मैंने कुछ और शब्द भी देखा है कहीं पे, चल दूरवाणी इस तरह का ही कुछ था, मतलब वो जिससे वो मोबाइल मूवेबल है वो पता चलता है। आई थिंक जंगम दूरवाणी सेल फोन नहीं है, स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के लिए जंगम फिर स्मार्ट होता होगा। स्मार्ट हाँ। देखो आपके शब्द को इसमें स्मार्ट दिखता है क्या? हाँ देख रहा हूँ। स्मार्टफोन। स्मार्टफोन वैसे बड़ा घातक शब्द है क्योंकि वो ये भी बताता है कि वो ज्यादा स्मार्ट है मनुष्य कम स्मार्ट। स्मार्ट में तो दर्शनीयम शोभनः वो दोनों है शब्द स्मार्ट के लिए। अच्छा वैसा है, दिखने में स्मार्ट। हाँ दिखने में स्मार्ट ऐसा, इसका इंटेलिजेंट होगा शायद, इंटेलिजेंट या क्लेवर। क्लेवर इज चतुर, तो हम चतुर दूरवाणी भी बोल सकते हैं। इंटेलिजेंस तो प्रज्ञा है, प्रज्ञा प्रज्ञा। हाँ प्रज्ञा। अस्तु अस्तु बहुवचनम वदन्तु शुभाः।
अभिलाष महोदय रंभा नवीन महोदय लक्ष्म्याः तो अब आप देख रहे हैं हमने पहले जो शब्द किए थे यहाँ हाँ इस पृष्ठ पे ये सारे के सारे सभी पुल्लिंग थे हाँ। तो पुल्लिंग शब्दों में अधिकतर शब्द अकारांत होते हैं हस्तः रामकृष्णः ईश्वरः ये अकारांत है लेकिन थोड़े से अलग भी होते हैं जैसे गुरुः गुरुः भी पुल्लिंग है लेकिन वो उकारांत है हरि ही तो इकारांत यदि है तो वो अधिकतर पुल्लिंग शब्द होते हैं लेकिन ईकारांत जो दीर्घ ई है वो स्त्रीलिंग होते हैं और जो ह्रस्व ई है वो पुल्लिंग होते हैं हरि ही मुनि ही श्रीपति ही। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें आपको ई कारांत वाले दिख रहे हैं वही लक्ष्मी अभी हुआ उसके बाद पार्वती सरस्वती लेखनी तो नवीन महोदय नहीं एक मिनट नवीन महोदय का हो गया अभिलाष महोदय पार्वत्याः विभक्ति हो जाती अच्छा। पार्वती तेलुगुलो एट्ला चेप्तारु पार्वती वाल्वे पार्वती दी षष्ठी विभक्ति పార్వతులు 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 అనడానికి పార్వత్యః పార్వత్యః చలో నవీన్ మోదయ్ సరస్వత్యః ఉత్తమం అభిలాష్ మోదయ్ లేఖన్యః ఉత్తమం లేఖన్యః लेखन्यः नवीन महोदय माधुर्यः माधुर्यः अभिलाष महोदय अन्नपूर्णाः अन्नपूर्णाः तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं द और यह जो मिलके जो विद्यालय में होता है ना वो है ऐसा बन जाता है अभिलाष महोदय मालिन्यः शायद टाइपो है हाँ वो मालिनी होना चाहिए हाँ। कर देते हैं उसको टाइपो नहीं प्रिंटो है प्रिंटो नहीं सर टाइपो ही जो भी टाइप किया ना पहले तो टाइपो ही टाइपो मींस एरर तो टाइपो इज एक्चुअली डजंट मीन कि टाइपिंग का है टाइपो सिंपली मींस एरर तो एक्चुअली जो नवीन जी ने बोला वो करेक्ट है मैं तो ऐसे ही खेल रहा हूँ शब्दों के साथ चलो सर ऐसे दो शब्द हो सकते सर मालिनी और मालिनी कौन सा मालिनी और मालिनी हाँ नाम रखने के लिए तो कुछ भी रख सकते हैं कोई भी नाम रख सकते हैं ना मालिनी रख सकते हो जलिनी कालिनी कुछ तो भी रख सकते हो मालिनी का अर्थ ये है कुछ डस्ट
वही है ना सर, मलिनी, मलिन होता है वो, मलिन मलिन, तो मलिनह या मलिनम होगा मेरे ख्याल से, नपुंसक लिंग होगा मलिनम, पर मलिनम मींस डर्टी। और मालिनी ये केवल एक नाम? हाँ, मालिनी तो अच्छा नाम है, मालिनी मतलब क्या, पुष्पों से जुड़ा हुआ कुछ नाम है, उद्यान या पुष्प, पुष्पों से जुड़ा हुआ कुछ है। मालिनी का अर्थ पता है क्या आपको नवीन महोदय? ना महोदय, हम ना जाना। मालिनी मुझे लगता है कि पुष्पों से जुड़ा हुआ कुछ है। चलिए अंजना, नवीन महोदय। अंजना, अंजन, अंजना, अंजना कह अभिलाष महोदय। अंजना अभिलाष महोदय, ओ अभिलाष महोदय, अंजना कह। अच्छा अभिलाष जी शायद फोन पे। नहीं सर, अच्छा आपके कोई बोल रहा है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, चिंता मत। बगल में बोल रहे अंजना कह अभिलाष महोदय। अंजना, अंजना मीनिंग पता नहीं सर मुझे। नवीन कौन है, कौन है पूछ रहे हैं? कह पूछ रहा हूँ, वो तो समझा ना आपको, कह, कह मतलब कौन है, पुल्लिंग है ना कह, अंजना स्त्रीलिंग। हाँ तो अंजना का पूछ सकता हूँ मैं, अंजना का, अंजना का, अंजना एका बालिका, अंजना हनुम हनुमानस्य अम्बा, अम्बा, हाँ हनुमानस्य अथवा आंजनेयस्य माता। आंजनेय क्यों बोलते हैं? आंजनेय अहम अहम पुराणम एवं न जानामि आचार्य। आंजनेयस्य माता, आंजनेयस्य माता, अच्छा अम्बा अथवा अम्बा, माता अथवा अम्बा। हाँ अम्बा, तभी तो अंजना बोलते हैं, मतलब तभी तो आंजनेय बोलते हैं क्योंकि वो हनुमान जी की माता है। तो हमारे संस्कृति में ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे संस्कृति में बहुत सारे महान लोगों की माता के नाम पे भी पुत्रों को जाना जाता है। तो यदि कोई कभी ऐसा कहता है ना कि आपके इसमें महिलाओं पे अत्याचार होता था, ऐसे कोई कुछ झूठी झूठी बातें करने की कोशिश कर रहे, तो उनको आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। हाँ ऐसा बता सकते हैं कि हम इतना ये तो बहुत एडवांस्ड संस्कृति, गौरव, इतना गौरव देते हैं हम माताओं को, और हमारे पुराणों में बहुत सारे महिला है, हमारे देवी, देवी ये कौन है बताओ, हमारे देवियां भी बहुत सारे देवियां है, मगर आपकी पुस्तक में तो एक भी देवी नहीं, कोई देवी नहीं। राधेय कह, राधेय कृष्ण, कृष्ण जी राधेय, पुनः पुनः प्रयास करु 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 तू, राधेय कह अभिलाष महोदय। आंजनेय कृष्णस्य राधेय मतलब राधा है ना सर,
राधे मतलब राधा, जैसे आंजनेय जो है वो हनुमान जी हैं, ठीक है, और अंजना उनकी माता हैं। तो अब राधे जो है कृष्ण, तो एक राधा तो कृष्ण की राधा थी, ठीक है, हाँ, एक और राधा है हमारे इतिहास में कर्ण की माता, वो मुझे ओ, तो राधे जो है वो कर्ण को बोलते हैं, कर्ण का एक हाँ, नाम राधे है। मगर कुंती देवी है ना कर्ण के अंबा, हाँ, तो कुंती उनकी असली माता है और राधे वो माता है जिन्होंने उनको पाला है बचपन से, पाला है, ओ अस्तु अस्तु, जो वो शायद गाड़ी चलाने वाला है ना, उनका परिवार है वो शायद, तो वो है राधे, राधा माता, रथ रथ सारथी की पत्नी ही। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे हमारे महान लोग हैं, इवन कृष्ण जी को भी तो यशोदा नंदन भी कहते हैं ना, देवकी नंदन यशोदा नंदन, देवकी नंदन, तो माता के नाम पे बहुत सारे पुत्रों के नाम है, देवकी नंदन यशोदा नंदन, ये सब थोड़ा एक स्प्रेडशीट में लिखे तो बहुत अच्छा रहेगा महोदय, बहुत तो कैसा आपको कैसा आइडिया आ रहा है वैसा लिख के देख बताइए क्या आपको क्या लग। हाँ वो कि हम तो ऐसे जैसे जैसे एक शब्द से दूसरा ध्यान में आता है, हम मतलब मजे के लिए जानकारी भी कर रहे हैं और एक दूसरे का ज्ञान भी बढ़ा रहे हैं। हाँ आपको कुछ लगता है तो कुछ और बना ये के देखिए तो क्या। एक एक थोड़ा छोटा सा अस्त्र भी बन जाएगा हमारे, हाँ एक अच्छा लेख बन जाएगा छोटा सा, कि हाँ माताओं के नाम पे बहुत सारे बड़े बड़े महान पुत्रों के नाम हुए हैं, हाँ हाँ तो माता का स्थान महिलाओं का स्थान हमेशा बहुत ऊंचा है सब, हाँ और कह सकते हैं कि सबसे ऊंचा है, हाँ शक्ति का रूप जो है जो जिससे सबका सृजन होता है वही वो तो माता ही है। चलो गौरी नवीन महोदय, गौरियः गौरियः अभिलाष महोदय, पेटिका पेटिकाः पेटिकाः और पेटिका किम अस्ति स्टमक स्टमक उदर 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 उदर, मैंने ऐसा कि हिंदी में पेट कहते हैं वहां। हाँ वो तो सही बोले आप, हिंदी में तो पेट बोलते हैं, पेटी पेटी మమ ఉదరం కుశలం అస్తి तमाम। तो पेटिका उदरह हाँ उदरम शायद वो नपुंसक नपुंसक लिंग, देखिए वो शब्द को इसमें क्या दिया है। हाँ एक मिनट, मैं संस्कृत भारती का एक पेज में शरीर शरीर के भाग अच्छा विभिन्न भागों का एक है उसमें देख के बता रहा हूँ मैं शब्द उदरम लिखा है क्या, तो उदरम लिख लेते हैं।
उधर हम लिखा हुआ है, उधर हम शब्दकोश में भी देखता हूँ एक बार शब्द। उदरम लिखा हुआ है महोदय शब्दकोश में। हाँ तो उदरम नपुंसक लिंग। और मैंने अभी ये भी देखा कि अर्जुनः बाणः, हमने एक बार सोचा था ना कि क्षिपति उपयोग नहीं हो सकता बाण के लिए, हाँ पर उपयोग हुआ है, मैंने देखा वो उपयोग। तो क्षिपति मारति चलति, वो भी नहीं चलति नहीं होगा, चलति नहीं, क्षिपति मारता है या फेंकता है और मारति मारता है। आप साधति अवश्य कह सकते हैं, बट साधति तो बाण चलाने के पहले की प्रक्रिया है। पर क्षिपति जो है वैलिड है, देखा मैंने। उत्तम। किम समय सप्तदशाधिक अष्टवादनम् अस्ति, त्रयोदश निमिषम् अस्ति। त्रयोदश न सप्तदश, सप्तदश निमिषः न 8:30 को 13 minutes are left, you are saying that, saying sir. Okay, in that way it is correct, you are correct. Saptadashadhik ashtavadanam samayah. Maybe kaise. Idanim trayodash nimishe kaksha samaptam karomi. Trayodash nimishe पश्चाते कक्षा समाप्तम करूं। ठीक है, ठीक है। नवीन महोदय पुस्तकम तो अभी एक वचन और बहुवचन दोनों आप ही बोलिए, फिर अगला मैं अभिलाष महोदय से पूछूंगा। पुस्तकानि टेढ़ा हो गया है मेरा ये। पुस्तकानि एक बार, हाँ अभिलाष महोदय सर पुस्तक के राइट साइड होने वाला पूछिए सर। क्या पुस्तकानि पुस्तकानि दक्षिणतः पुस्तकम दक्षिणतः किम अस्ति न पुस्तकम पुस्तकस्य अधः किम अस्ति पुस्तकस्य अधः अहं संस्कृते न जानामि शब्दानि। एतत् पात्रम् पात्रम् अच्छा पात्रम् सो तानि कानि सन्ति तानि पात्राणि तानि पात्राणि इदम्
अत्र पुस्तकानि अत्र पात्राणि किमर्थम किमर्थम एतत् अंतरम रा का उपयोग हुआ सर इसलिए अन्ना आते रा से और शा अगर आया तो अन्ना आना चाहिए तो रा श श इनमें से कुछ भी है यदि मूल शब्द में तो फिर अणा हो जाता है इदानीं लक्ष्मी कह नवीन महोदय लक्ष्मी का लक्ष्मी देवी अस्ति विष्णु पत्नी इति लक्ष्मी विष्णु पत्नी विष्णु देवी विष्णु पत्नी पार्वती कस्य माता अभिलाष महोदय पार्वती गणेशस्य माता उत्तमं कार्तिकेयस्य माता न कार्तिकेयः यदि कार्तिकेयः गणेशस्य भ्रातृः अस्ति तर्हि पार्वती कार्तिकस्य माता भवति सर समझ आया सर हम ज्ञातम परंतु एतत् प्रश्नम किमर्थम एवं कार्तिकेयः गणेशस्य भ्राता अस्ति अथवा नास्ति अगर if two people are brotherhood then both of their mother will be same that's why I'm saying I don't know about other persons sir you said Kartikeyah कैसे नहीं सुना ना आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुरुगन स्वामी अयप्पा सुब्रमण्यप्पा सर वही सुब्रमण्य स्वामी नहीं नहीं अयप्पा तो नहीं अयप्पा इज डिफरेंट अयप्पा तो हरिहरा है ओके अयप्पा अलग है सुब्रमण्य स्वामी इज कार्तिकेय ना कार्तिकेय अच्छा अच्छा कुमार स्वामी सुब्रमण्य स्वामी कुमार स्वामी भी बोलते हैं पार्वती कार्तिकेयस्य विनायकः च माता अस्ति उत्तमम् का नदी पवित्रा सप्त नद्यः पवित्राः गंगा यमुना सरस्वती सिंधु शतुद्रु और क्या है सप्त नदी में ब्रह्मपुत्र भी है ब्रह्मपुत्र शायद उत्तम चलो आगे बढ़ते हैं सर्व नद्याः पवित्राः
अस्तु अस्तु, हाँ उत्तमम। मैं वही सुनना चाहता था कि नदी तो जल का स्रोत है, पर नदी को हाँ माता इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि जल देती है, तो इसलिए सारी नदियां पवित्र हो जाती हैं। हाँ हाँ कृष्णा नदी, कावेरी नदी, इतनी सारी नदियां हैं, सब पवित्र हैं। हाँ जहां जो नदी होती है वही उसकी तुंगभद्रा, माता हो जाती है। तुंगभद्रा भी है, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा। कृष्णा, कावेरी। हाँ कृष्णा विजयवाड़ा के पास में कृष्णा नदी मिली थी हमको, हाँ तो हाँ याद है। हाँ उत्तम। एतत् किम् अभिलाष महोदय? कंकतम तत् कंकतम, कंकतम कंकतम, कंकतम तत् कंकतम, तत् कंकतम तानि तानि कंकतानि कंकतानि, तानि शाबाश। कंकतानि, तो ये शाबाश उर्दू का पद है क्या? कौन सा शाबाश? सभाष? आपको कहाँ सुनाई है, कहाँ नहीं, देखा है? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आपको पता होगा, वो उर्दू सुभाष से बोल रहे हैं आया। क्या? हाँ, सुभाष तो नहीं बोल रहे? सुभाष नहीं, शाबाश, शाबाश। अप्रिशिएट अप्रिशिएट करते समय शाभाष कहते ना, अप्रिशिएट करते समय। अच्छा वैसा, हाँ, वो शाबाश उर्दू तो उर्दू का ही है। का, उर्दू का है। ओके, तो ऐसा संस्कृत में कैसा करते हैं, ऐसा उत्तमम बोल सकते हैं और उत्तमम, बहु समीचीनम। बहु समीचीन, और भेष ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि तेलुगु में है भेष, भला मगर भला भी कह सकते सर। हाँ इदानीम कक्षा समाप्तम करोमि, लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग। ओके okay. पुनर्मिलामः, सर्वेशां नमो नमः, शुभ रात्रि, शुभ नमो नमः। दिनम्। हाँ नमो नमः। ओके ओके।